हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल के प्रेम नगर बूथ नंबर 174 पर करीब 10-15 पर अपना वोट डाला। मीडिया से रूबरू हुए मुख्यमंत्री ने कहा, यह चुनाव विकास के नाम पर पिछले 5 साल के विकास पर चुनाव हो रहा है। इंडिकेशन आएंगे तो आप सबको मिलेंगे। अंकल खड़े रहो ना, मतदान अंकल खड़े रहो ना, क्या पीछे के लिए अंकल खड़े हो जाओ, अंकल खड़े रहो ना, क्या कर रहे हो? मतदान कर रहे हैं, फिर भी मैं अपील करूंगा हरियाणा की जनता से कि मतदान करने अवश्य जाए। अपना जो ड्यूटी है ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी का है, ये हमारी संवैधानिक ड्यूटी है, सोशल पॉलिटिकल मॉरल हर प्रकार की हमारी ड्यूटी है। वोट किसको करना है ये हमारा अधिकार है, अपने अधिकार का भी उपयोग करके अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। मुख्यमंत्री जहाँ तक मुद्दों की बात है, हमारे अंकल खड़े थे, चाहे हमारी जन आशीर्वाद यात्रा थी, चाहे चुनाव प्रचार अभियान है, सब बातचीत प्रदेश के भी महत्वपूर्ण विषय सारे आए हैं, राष्ट्रीय मुद्दे भी आए हैं। और ये कांग्रेस हमेशा सिर तोड़ जा भाई, दोस्त केवल प्रदेश के मुद्दों पर नहीं बोलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर उनका क्लियर कट कोई नीति, स्पष्ट नीति नहीं है जिसमें से घबराते हैं। चाहे वो 370 होगी, चाहे वो हटाने की बात है, चाहे किसी प्रकार के जो विषय 370 की बात, हमसे पहले पुलवामा, बालाकोट, ये सब विषयों पर उन्होंने सरकार से उलझाया है चीज़ों को, जिसके कारण से वो अपने आप खड़े हो गए हैं। हमारा मत यह है कि चाहे राष्ट्र मुद्दे हो, देश के मुद्दे हो, हम तो यहाँ तक सरकार के नाते हमारा जो दायित्व है, स्थानीय निकाय के मुद्दे, पंचायती राज के मुद्दे, इन मुद्दों पर भी हम चर्चा करते हैं, ताकि उनको भी हम अंकल खड़े रहो ना एक सुविधा के नाते। विधायक वशीर सिंह गिर का वीडियो वायरल हुआ है खट्टर साहब, विपक्ष के लोग कुछ भी दावा करें, ये आपको भी पता हमको भाई से पीछे कर ले सरकार, लोगों को भ्रमित करने के लिए इस समय बोलेंगे और उनके बोलने का कोई प्रभाव जनता को पड़ने वाला। वशीर सिंह गिर का वीडियो वायरल हुआ खट्टर साहब, गड़बड़ी के बारे में आपको क्या कहना है? स्पष्टीकरण कर दिया है कि ये एक वीडियो को जिसको कहना चाहिए फेक वीडियो है, और इसको जोड़ तोड़ करके उनकी कुछ बातों को उठा करके इधर उसे लगाया गया है, उसका स्पष्टीकरण भी दे दिया है। और उसके लिए उस वीडियो को एक प्रकार से चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए उसकी इंक्वायरी करनी है।